हेलो गुड मॉर्निंग. वी डिस्कस अनदर टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ सेकेंड यूनिट. मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ में सब मॉर्फोलॉजी में हमने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी प्लांट या एनिमल के सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसको बाहर से देखकर कि उसमें क्या चीज़ें हैं. और अगर जब हम इसी संरचना को आंतरिक स्तर पर देखते हैं तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमी, आंतरिकी कहते हैं. तो इस तरह से मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमने लिखा है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ. तो इसमें आप देखिए कि सबसे फर्स्ट आप और हम जानते हैं कि आखिर रूट क्या है. तो आप देखिए जो है सबसे पहले आप जानिए कि किसी भी संरचना को अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें दो चीज़ें, ये तो वो सीड जैसे आप चना भी होते हैं तो देखिए वो अंकुरित होगा तो सबसे पहले दो संरचनाओं का निर्माण होता है. एक संरचना आप देखिए जो सबसे पहले नीचे की ओर डेवलप होगी उसे हम कहते हैं रेडिकल या हिंदी में इसे आप कहते हो मूलांकुर, और दूसरी संरचना जो ऊपर की ओर डेवलप होती है उसे आप कहते हैं प्रांकुर. तो आप देखिए तो जड़ के हिसाब से वह संरचना जिसके सहायता से आपके जड़ का निर्माण होता है, मतलब यह कह सकते हैं ऐसे कि पौधे का वह भाग जिसका विकास अंकुरण के समय रेडिकल या मूलांकुर से होता है उसे जड़ कहते हैं, और पौधे का वह भाग जिसका विकास अंकुरण के समय प्रांकुर या प्लूम्यूल से होता है उसे हम कहते हैं प्रांकुर कहते हैं, इसे तना कहते हैं. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जड़ जो है वो डेवलप हो रहा है, और जड़ें आपकी दो प्रकार की होती है. टाइप्स ऑफ रूट को अगर आप देखिए तो आपके जो रूट हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं. टाइप्स ऑफ रूट को अगर आप देखिए तो ये जड़ें आपकी दो प्रकार की होती हैं. एक को हम कहते हैं टाइप रूट और एक को हम कहते हैं एडवेंटिजियस. अब स्थानिक जड़ें, पहली जड़ है आपकी टाइप्स ऑफ रूट में पहली जड़ है आपकी मूसला जड़ और दूसरी जड़ है आपकी अपस्थानिक जड़ें. तो दो प्रकार की जड़ें हैं. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें डिफरेंस क्लियर करते हैं कि आखिर मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में क्या अंतर है. तो आप अगर ध्यान से किसी मूसला जड़ को देखेंगे तो आपको इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी. और ये डाई काट पौधों में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधों में आपकी मूसला जड़ें पाई जाती हैं. मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है इसलिए इन चीजों को आप विशेष ध्यान दें. तो आप देखिए मूसला जड़ की पहचान होती है, ये इस तरह की एक मोटी जड़ होती है और इनसे तमाम पतली जड़ें निकलती हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं. एक आपकी मोटी जड़ होगी और इनसे तमाम पतली जड़ें, इस तरह के रूट को हम कहते हैं टाइप रूट. और जब ये आपके पाए जाते हैं डाइकॉट्स प्लांट में, जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं, जैसे आपका हो गया मैंगो है, फाइकस है, पीपल है, नीम है, मतलब ज्यादातर डाइकॉट पौधों में टाइप रूट्स पाई जाती हैं. इनमें एक मोटी जड़ होती है और इससे अनेक आपकी पतली जड़ें निकलती हैं. तो इस तरह की रूट को हम कहते हैं टाइप रूट. प्राइमरी रूट है, इससे सेकेंडरी रूट है और जड़ें निकलेगी. और आपकी दूसरी जड़ें होती है एडवेंटेजियस रूट, अपस्थानिक जड़ें. इनमें आप देखिए जितनी भी जड़ें होती हैं ये सारी जड़ें, इनमें कोई मेन रूट नहीं होता है, सारी जड़ें एक जैसी होती हैं. तो ऐसी जड़ जिसमें सारी जड़ें एक जैसी होती हैं, आप जान नहीं पाते हैं कि आपका कौन सा इसमें मेन जड़ है उसे हम कहते हैं
आपकी अपस्थानिक एडवेंटिटियस रूट्स। तो इस तरह के दो टाइप्स के आपके रूट हैं पूरी प्लांट किंगडम में अगर आप ध्यान से देखिए। और जो अन्य आपको देखने के लिए मिलते हैं वो आपके मॉडिफिकेशन है, मतलब इनके परिवर्तित रूप हैं, आपके परिवर्तित रूप हैं इन जड़ों के, इन्हें हम कहते हैं आपके और दो टाइप्स के रूप हैं। आगे जाकर ये जड़ें अपने कई प्रकार के अपने परिवर्तित रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने बेसिक डिफरेंस क्लियर किया कि जड़ क्या है, तो पौधे का वह भाग जिसका विकास अंकुरण के समय आपके हो रहा है मूलांकुर से, उसे आप जड़ कहते हैं। और जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक को हम कहते हैं मूसला जड़ और दूसरे को हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में हमने बताया कि जब आपके टैप रूट्स में सारी जड़ें ऐसी जड़ें, मतलब जिसमें एक मेन रूट हो और उससे आपकी तमाम पतली जड़ें निकलती हैं, एसेसरी रूट कह सकते हैं इन तरह की जड़ को हम कहते हैं मेन रूट। और जब सारी जड़ें आपकी एक जैसी होती हैं उस तरह की जड़ को हम कहते हैं एडवेंटिटियस रूट। और ये आपके मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। बताया था हमने मोनोकॉट प्लांट के आपके एग्जाम्पल हैं मेज है, बार्ली है, वोट है, कोकोनट है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लगभग जितने भी अनाज हैं ये सब आपके मोनोकॉट हैं। जैसे आप किसी प्लांट के अगर जड़ के लेवल पे अगर आप ध्यान दें तो इस तरह की अगर जड़ें किसी प्लांट्स में पाई जा रही हैं तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है एडवेंटिटियस रूट। और आगे जाकर आप देखें इन जड़ों के भी अपने कई परिवर्तित रूप हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पे, तो आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने जब आपको पढ़ाया होगा तो उसमें आपको बेसिक बताया था हमने कि आप किसी प्लांट की पत्ती को देखकर जान सकते हैं कि वो कौन सा पौधा है, डाइकॉट है या मोनोकॉट है। इसकी जड़ को देख के जान सकते हैं या इसके फ्लावर को आप देख के जान सकते हैं कि ये किस प्रकार के जड़े हैं। तो इस तरह से अगर आप मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे अगर किसी प्लांट के रूट की बात करें तो आपको मेन जो जो रूटें हैं वो आपकी दो प्रकार की हैं, एक आपकी है टैप रूट और एक आपकी है एडवेंटिटियस रूट। तो इस तरह से अगर जड़ के मॉडिफिकेशन को हम और आगे डिस्कस करेंगे तो ये जड़ें कई प्रकार की आपकी हो जाएगी। जैसे टैप रूट के मॉडिफिकेशन कई प्रकार की जड़ें हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी टैप रूट भी आगे जाके हमने नोट्स में आपको भेजा होगा कि कई प्रकार के आपके होते हैं। तो टैप रूट है या एडवेंटिटियस रूट है कि आप आगे जाके आपके मॉडिफिकेशन देखेंगे। जैसे फर्स्ट आप आ गया आपका नोडुलेटेड रूट, ट्यूबरस रूट, सिंथेटिक रूट, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपकी जड़ें हैं वो आपकी कई प्रकार की। जैसे इसमें पहली आपकी रूट है आपकी नोडुलेटेड जिसे हम कहते हैं ग्रंथिल जड़ें, या और ये जड़ें आपकी पाई जाती हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो पौधे हैं, जैसे आपका चना है, मटर है, अरहर है, इन पौधों में ये नोडुलेटेड रूटेड पाए जाते हैं। और इनमें एक बैक्टीरिया रहता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया, और इसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसी जड़ें जिनमें गांठें पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं नोडुलेटेड रूट। और इन जड़ों को अगर आप बनाए इस तरह से देखिए तीन नोडुलेटेड रूटे हैं, इनमें इस तरह की जड़ें पाई जाएंगी और इनमें इनकी गांठों में बैक्टीरिया पाया जाता है। ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है, सहजीवी बैक्टीरिया है और ये सहजीविता के उदाहरण के अंतर्गत भी आपके आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये नोडुलेटेड रूटेड हैं, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और इसमें जो बैक्टीरिया रहता है इसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, पूरा नाम इसका लेग्यूमिनोसेरम।
सीरम ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि दाल वाली फसलों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ये आपका बैक्टीरिया पाया जा रहा है राइजोबियम रेटिनो सीरम, ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है। सहजीवी, सहजीवी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर देना है कि जब दो पौधे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो इसे हम कहते हैं सहजीविता, और इसमें इस तरह के एसोसिएशन में संबंध में दोनों को फायदा पहुंचता है कि जैसे आप देखिए दाल वाली फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया रह रहे हैं तो यह बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन प्रदान कर रहा है और इसके बदले में उस बैक्टीरिया को रहने के लिए निवास स्थान और भोजन दोनों प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि दोनों ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों को फायदा पहुंचता है उस टाइप के एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और आप देख रहे हैं दाल वाली फसलों की अगर जड़ों को आप कभी देखिए तो उनमें आपको जगह जगह पर इस तरह से आपको गांठें देखने को मिलेंगी, इन गांठों में आपका पाया जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। और जितनी भी दाल वाली फसलें हैं आपको बताया गया था ये आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली की है, जैसे आपका चना है, मटर है, अरहर है, इन पौधों की आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक पौधे की एक पर्टिकुलर फैमिली होती है, जैसे सरसों है ये आपका क्रूसीफेरी का गुहल है, मालवेसी का, इसी तरह से चना मटर है आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली के हैं, जैसे आपका गुलाब है वो रोजेसी फैमिली का है, सेब है ये आपके रोजेसी फैमिली के हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आगे जाने पर आपको फैमिली भी इसके जस्ट बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो आपका इसी से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जड़ें जब किसी विशेष कार्य को करने के लिए अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं जड़ों का रूपांतरण। तो ये आप देख रहे हैं आगे जाकर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आपको देखने को मिल रहा है, मतलब जड़ें कहीं पर भोजन संचित करने के लिए, कहीं पर प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, कहीं पर कुछ भी करने के लिए समथिंग वो अपनी आपको परिवर्तित कर लेती हैं, और ये जब विशेष कार्य को करने के लिए वो अपने आप को कन्वर्टेड करेंगे तो इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ें आपके विशेष कार्य को करने के लिए अपने आप को परिवर्तित करती हैं। अब देखिए जैसे अगली रूट हमने नॉर्मुलेटेड रूट बताया, अगला है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट का मतलब क्या है कि जब जड़ें अपने अंदर भोजन संचित करने के कारण आपकी बेडोल आकार की हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं ट्यूबरस रूट। देखिए यहाँ पे हम ट्यूबरस रूट को भी आपकी बना ले रहे हैं, ट्यूबरस रूट जैसे इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्यूबरस रूट का उदाहरण आपका, जैसे आपने घरों में गंजी देखा होगा, आने देखा होगा, ये जड़े अपने अंदर अत्यधिक भोजन को संचित करने के कारण आपकी इस आकार की हो जाती है, बेडोल आकार की हो जाती है। तो ये जड़े अपने अंदर भोजन को संचित करने, इसे इन्हें हिंदी में हम कंदील जड़े भी कहते हैं, ये अपने अंदर भोजन को स्टोर कर लेती हैं। तो ये सामान्यतः ये जड़े जो है आपके भोजन को संचित करने का कार्य करते हैं, भोजन को संचित करने के कारण ये जड़े जो है आपके बेडोल आकार की हो जाती हैं। तो ऐसी जड़ों को जब होगी हम कहते हैं ट्यूबरस रूट। और देखिए इसमें खास यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी जड़ के बारे में पढ़ें तो आपके दिमाग में पर्टिकुलर उस जड़ का कोई एक उदाहरण होना चाहिए, तो आपके दिमाग में उदाहरण होने से ये होगा कि वो आपका गलत आप उसे नहीं करेंगे, आप कहीं गलती नहीं करेंगे। अगली जड़ है आपकी मोली फार्म रूट, का मतलब है मणिकामय जड़ें। जैसे आपने देखा होगा अंगूर की अगर जड़ों को आप कायदे से देखिए तो ये आपके जगह जगह देखने पे मटके की तरह से दिखाई देती हैं, जैसे माले की तरह दिखाई देती हैं, तो इस तरह की जड़ को हम कहते हैं मोली फार्म रूट। और ये आपके ग्रेप्स में पाई जाएंगी, अंगूर में पाई जाती है, और ये जड़ें किस टाइप की होती हैं थोड़ा सा हम अपने उसका एक जड़ का कुछ फिगर बना देते हैं। जैसे आपने
आप देख रहे हैं कैसी जड़े को हम कहते हैं मोनली फॉल रूट, और ये जड़े आपकी देखने में आपके घड़े उस तरह से दिखाई दे रहे हैं, हमने बताया था माले की तरह से मोनली फॉर्म रूट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जड़ें किसी विशेष चीज़ को करने के लिए ये अपने आप को कन्वर्टेड कर रही है, तो ऐसी जड़ों को हम कहते हैं मोनली फॉर्म रूट या मणिका मैं जड़े। अगली जड़े हैं आपकी रिस्पिरेटरी रूट, तो श्वसन जड़े इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार की जड़े आप देखिए जहाँ पर भी समुद्र हैं, जैसे आपके हेलोफिटिक प्लांट आगे आपको सेकेंड ईयर पढ़ाए जाएंगे, हेलोफिटिक प्लांट जहाँ पर समुद्र है इस प्रकार की जड़े आपकी, जैसे भारत में सुंदर वन के स्थानों पर पाई जाती हैं इस प्रकार की जड़े हेलोफिटिक प्लांट्स में पाई जाती है। तो इन जड़ों की खास बात ये है कि अगर आप उनको देखिए ये जड़े पहली ऐसी जड़े हैं जो आपके समुद्र के किनारे बाहर की ओर फूंकते के रूप में निकली होती है। तो इसमें ध्यान रखें इसके फिगर भी क्योंकि प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है, इसलिए इनको विशेष आप ध्यान। देखिए ये जड़े जो है आपके रिस्पिरेटरी रूट, तो इस प्रकार के रेस्पिरेटरी रूट में देखो ये का फिगर बनाया गया पूरा नहीं बनाया है। तो आप देखिए इन जड़ों में ऊपर की ओर छिद्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूमेटोफोर श्वसन छिद्र। तो ये आपकी पहली ऐसी जड़ी है जो समुद्र के किनारे खूंटे के रूप में बाहर की ओर निकली होती है। तो इन जड़ों की खासियत है ये निगेटिवली आपकी जियोट्रॉफिक होती है, और आप देखिए हर जगह जड़ें जमीन के अंदर बढ़ती हैं। ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें जड़ें आपकी ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, तो इसलिए इनको हम कहेंगे निगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट्स कहेंगे। और ये पाए जाते हैं, ये आपको हमने बताया ये आपके हेलोफिटिक प्लांट के कलेक्टर हैं, आपके जितने भी पौधे भारत में ये सुंदर वन में स्थान पाए जाएंगे, पश्चिम बंगाल में आपने नाम सुना होगा, और इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे राइजोफोला, सोनेरेसिया, एविस्निया। तो ये आपके हेलोफिटिक प्लांट है जिनमें इस प्रकार की जड़ें आपकी पाई जा रही हैं। तो इन जड़ों की खासियत यह है कि ये आपके समुद्र के किनारे खूंटे के रूप में निकली होती हैं। तो पूछता भी है क्वेश्चन कि आखिर जितने भी आपके राइजोफोरा का पौधा अपने समुद्र के किनारे, ये पौधे अधिकतर दलदल युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये पौधे ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए इनकी जड़ें समुद्र के किनारे खूंटे के रूप में निकल आती है। इसको हम सेकेंड ईयर में वहाँ पर आपके और डिटेल इन प्लांट्स के पूरी कैरेक्टर पाँच पाँच छः छः कैरेक्टर हैं और इनकी क्या है ये चीज़ें आपकी वहाँ पे और आपको उस लेवल पे डिस्कस किए जाएंगे। अब देखिए जो अगली जड़ें हैं आपकी है फोटोसिंथेटिक रूट। फोटोसिंथेटिक रूट क्या है? फोटोसिंथेटिक रूट का मतलब है कि ऐसी जड़ें जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि ये अपना भोजन स्वतः निर्मित कर लेते हैं। जैसे आप देखिए इस तरह की आपकी जड़ें सिंघाड़े में है या अन्य पौधों में आप अगर देखें ध्यान से, जिनके अंदर भोजन को निर्मित करने की क्षमता होगी उसे हम कहेंगे। अगली जड़ है आपका देखिए जैसे ऐसी मिलिट्री रूट, मतलब ऐसी मिलिट्री रूट का मतलब क्या है? जिनके अंदर आप फॉर्मेशन करने की क्षमता हो भोजन या अन्य चीजों को उन्हें हम कहेंगे। फिर अगली जड़ आप देखिए हमने छोड़ दिया, इसका नाम है तैरने वाली जड़ें। तो तैरने वाली आप जड़ें देखिए जैसे आपने सिंघाड़ा है देखा होगा या उसमें जलकुंभी देखा होगा, तो इनमें ये जड़ें पाई जाती है।
तो आप देखिए इस तरह की जड़ें आपकी जलकुंभी उसमें पाई जाएंगी, सिंहा आपकी जलकुंभी में। जलकुंभी में आप देखते हैं कि पैरेन काइमा आपका बदल जाता है एरेन काइमा में। एरेन काइमा में बदलने के कारण क्या होगा, एरेन काइमा में बदलने के कारण ये क्या होगा, इसके अंदर वायु भरी होगी और वायु के भरे होने के कारण ये पौधे जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। और इन प्लांट्स की सबसे जो खास बात है कि इनमें जो पैरेन काइमा है वो आपका हो जाता है एरेन काइमा में कन्वर्टेड हो जाता है। जैसे अगर आप कभी भी जलकुंभी को देखिए अगर खा के, देखिए तालाब में बहुतायत में पाए जाते हैं और प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं ये समस्या भी बन चुकी है, इन्हें कोई लगाता नहीं है। ये पौधे आपके साउथ अफ्रीका से इनके खूबसूरत फ्लावर के कारण अंग्रेज इसको अपने साथ यहाँ पे इंडिया लाए थे। तो इस तरह से आप देखिए तो आपको इस तरह की बहुत सी प्रकार की जड़ें आपको देखने को मिल रही है। फ्लोटिंग रूट है, इसके बाद जैसे आपने देखा होगा बरगद है, पीपल है, मक्का है, उनमें अलग अलग जड़ें हैं। जैसे बरगद में आप देखिए प्रॉप रूट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सपोर्टिंग रूट। देखा होगा जैसे बरगद में आपने देखा होगा जैसे मान ली बरगद का पौधा है तो आप देखें तमाम जड़ें इसे उसके मेन प्लांट की जड़ों से नीचे जमीन में निकली होती हैं। जैसे उसमें जैसे में एक मेन प्लांट होगा उससे आपकी तमाम जड़ें आपकी निकली होंगी। तो ये जड़ें आपकी जो है सब सहारा देने का कार्य करती हैं। तो सहारा देने का कार्य करती हैं, इनसे सपोर्टिंग रूट्स हैं ये जड़े। आपके देखा होगा बरगद में ये जड़े निकलकर आपके भूमि में प्रवेश कर जाती है, प्लांट्स को सपोर्ट करने का कार्य करती है, इसलिए इनको हम प्रॉप रूट या सपोर्टिंग रूट भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे मक्के में आप देखिए जो जड़े हैं वो भी आपकी निकली होती हैं जिसको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। जैसे मक्के में आप प्लांट्स को अगर आप ध्यान से देखिए तो मक्के के प्लांट्स में आप देखिए जहाँ पर प्लांट का तना होता है उसके जस्ट नीचे इस टाइप की रूटे आपकी निकली होती है, जिन्हें आप कहते हैं स्टिल्ट रूट। इस तरह से अगर आप देखिए तो ये आपकी जड़े और तो इस तरह से अगर आप वेरियस लेवल पे अगर आप देखिए तो आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जड़ों के अगर मॉडिफिकेशन को आप अगर कायदे से देखेंगे तो आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ बच्चों ने कमेंट किया, देखा है क्या लिखा है इन्होंने कि मेरे पास भेजेगा क्या आज, स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हैं देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत होगी आपको हम इसको डिस्कस क्या मन सुधा देखो क्या लिखे हैं सब पता नहीं क्या हुआ। आंटी को मेरे पास भेजना, आंटी मेरे पास भेजना चलो ठीक थैंक यू। काम करो।